हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं तैयार हो चुका हूँ और बैग टांग लिया। आज है 31st और अभी जो टेम्परेचर हो रहा है वो 11 डिग्री हो रहा है। बहुत ठंड है झांसी में, पर कोई बात नहीं, हम ठंड से लड़ सकते हैं। तो हम जा रहे हैं आगरा आज ट्रिप पर, तो चलते हैं जल्दी से आगरा। हमारी ट्रेन अभी 6:50 की स्टेशन से, झांसी स्टेशन से। लाइट वगैरह ऑफ कर, तो हम चेकआउट कर।
यहाँ का ये कैफे है, दिस इज अ कैफे और दिस रेस्टोरेंट। चलते हैं अपनी लोकेशन पर। तो ये है, तो हम लोग आ गए ताजमहल के गेट पे। ये पश्चिमी गेट है, मतलब वेस्ट गेट है यहाँ का। यहाँ ताजमहल के पूरे 7 गेट हैं, क्योंकि इसे 7वां अजूबा भी कहा जाता है ना वर्ल्ड का, तो इसलिए यहाँ से पहल जाना पता है ताजमहल तक घूमने। हम लोग पैदल जा रहे हैं आगे तक, और फिर जाके वहाँ पर टिकट वगैरह मिलेगा तो लेते हैं। अब देखते हैं कैसा प्रोसेस है यहाँ का, क्या है उसकी। टिकट लेने के बाद फिर ताजमहल घूमेंगे, आपके लिए पूरा टूर दिखाएंगे ताजमहल का। और जब आप ताजमहल आओ तो आपको बाहर की तरफ लोग मिलेंगे, तो आपको वहाँ पर कुछ पहनने के लिए देंगे पैर में, तो आप बाहर ही से लीजिएगा, अंदर से नहीं लीजिएगा। अंदर महंगा पड़ता है और बाहर सस्ता मिलता है, तो सही रहता है। बस ये होता है कि ताजमहल जिसकी वजह से गंदा ना हो जाए, मतलब अपन चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि अपन को आप अपने शूज क्या कहते हैं उतार नहीं पाते हैं, इसलिए ले लिया। आपको यही कहूँ कि आप इसी गेट से आएँ, क्योंकि यहाँ से ताजमहल बहुत पास है, और यहाँ पर मतलब कि कुछ ज़्यादा मतलब कि चलना भी नहीं पड़ता है, तो आप इसी गेट से आइएगा। पश्चिमी गेट है वेस्ट में। तो यहाँ पर कुछ रेड, इसमें कुछ ऐतिहासिक नींव हिस्टोरिक फाउंडेशन लिखा है, जो कि हमें बताता है कि यहाँ पर ताजमहल किससे बना है, यहाँ पूरी डिटेल्स वगैरह लिखी हैं उसकी। चलते हैं अब यहाँ पर, अब टिकट काउंटर आने वाला है। आप यहाँ की भीड़ भी देख सकते हैं, कितनी भयंकर भीड़ है यहाँ पर। ताजमहल आने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये वाला QR कोड स्कैन करना पड़ेगा, और फिर जब आपको इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, तब आप जाके आप ताजमहल को देख सकोगे, देख पाओगे। जल्दी स्कैन करते हैं और पेमेंट करते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ेगी अंदर जाने के लिए, उसके बाद ही आप देख पाओगे ताज को। तो फाइनली आधे घंटे के बाद ताजमहल के अंदर घुसने को मिल रहा है। बहुत देर लग गई सिक्योर चेकिंग में। चलो फिर अंदर चलते हैं। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है आगा ताजमहल में। तो यहाँ पर है पूरे में गार्डन ही गार्डन, बहुत मस्त प्लेस है, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। बहुत मस्त प्लेस है, बहुत बढ़िया। भीड़ देख रहे हो आज, आप आज है न्यू ईयर, तो सबसे पहले विश यू हैप्पी न्यू ईयर आपको, हैप्पी न्यू ईयर। तो ताजमहल में आपको सबसे पहले अंदर जाने के लिए, ताजमहल आपको डायरेक्ट नहीं दिखता है यहाँ से, आपको सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ा सा गेट है, उसको पार करना पड़ता है, या मतलब उसके अंदर से निकलना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको ताजमहल देखने को मिलता है। ये गेट भी बहुत मस्त बना है। तो ये ताजमहल का व्यू। पूरा का पूरा लाल पर वीडियो पर जिस ध्यान देगा ना। तो ये है ताजमहल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ताजमहल है, इतनी भीड़ है, और तो अब आप समझ ही सकते हैं ये क्यों 7 वंडर में से एक है। ताजमहल तो है ही बहुत सुंदर है। चलिए आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं। आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ताजमहल। तो यही था ताजमहल। इतना खूबसूरत तो भाई मुझे उम्मीद है कि कहीं पे नहीं होगा। इसके आसपास देखिए कितना बढ़िया पार्क वगैरह बना है, काफी हरियाली वगैरह। और यहाँ बीच से आपने अभी मतलब फोटो वगैरह में देखा होगा, ये बीच में थोड़ा पानी है, पर अभी पानी चल नहीं रहा है,
पानी बंद है अभी यहाँ पर, अभी बंद है। और आस पास गार्डन भी है बढ़िया, पर उधर बैठने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर पीछे आप देख ही सकते हैं, फिर इसके अंदर से आपको ताज मिल सकता है। और आपको यहाँ तक पहुँचने में एक आध दो घंटे तो लग ही जाएंगे, हम लोगों को तो आधे घंटे आपको मैक्सिमम कितने चेकिंग में ही लग जाएगा, आधा घंटा के अंदर मैक्सिमम लाइन में लगने में। आपको जैसे कि पता है ताजमहल तो शाहजहाँ ने बनवाया था मुमताज़ की याद में, और ब्यूटीफुल दिखता है, क्या कहूँ उसको, इसकी खूबसूरती की कोई क्या कहते वो कोई कहने नहीं है इसकी खूबसूरती के बारे में। और ताजमहल को जो फोर्ट है, जो आगरा का फोर्ट है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ही शाहजहाँ यहाँ ताजमहल को देखते थे। और यहीं पर एक पार्क भी है, वहाँ से वो अपनी मतलब रानियों को वहाँ टहलती थी, तो वहाँ से भी देखते थे फोर्ट से उनको। और अभी हम ताजमहल की वहाँ पर जाएंगे, देखते हैं परमिशन है कि नहीं है ब्लॉग शूट करने की, पर देखते हैं। तो यहाँ पर हर जगह चल रहा है फोटो शूट, हम लोगों को जगह ही नहीं दिख रही कहाँ हम फोटो शूट कराएं, लेकिन हम लोग भी बहुत मस्त फोटो खिंचवाएंगे, अभी हम लोग की देर चल रही है फोटो खिंचवाने की, तो देखते हैं। अब देखते हैं किस जगह है फोटो शूट हो सकता है, वहाँ फोटो खिंचवाएंगे। तो आप यहाँ पर जब आओ तो इस प्लेस पर ज़रूर आना, यहाँ देखिए पीछे पूरे पानी पानी है, और देखते हैं यहाँ नीचे इन्हें कलर कर दिया है, कौन सा ब्लू कलर का इसके पानी ब्लू कलर का लग रहा है। और यहाँ पर यहाँ से दिखता है एकदम साफ साफ आपको ताजमहल, अगर आप फोटो शूट करवाना चाहते हो तो यहाँ से कराओ, बहुत क्लासिक आएगी। Cause I got something to prove, I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tatter my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into क्योंकि बड़ी आदि कितना पानी तो हैगा जान लो तो वैसे ही पानी गिरता कहाँ है आजकल। तो गाइस आपको जब ताजमहल के अंदर एंट्री मिलती है ऊपर जाने के लिए, तो सबसे पहले आपको पैरों में कुछ ही इस तरह का पहनना पड़ता है, यहाँ सब लोग वही पहन के फिर ऊपर जाते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था जैसे कि अभी शुरू में ब्लॉग में दे सकते हैं कुछ इस तरीके से तरह का आपको देखिए कुछ इस तरीके से आपके लिए अपने जूते भी इसके लिए चढ़ाना होता है, फिर उसके बाद आपको अंदर जाना है। जैसे कि यहाँ देखिए सब भीड़ लगी हुई है पूरे में, यहाँ से लेके देखिए पूरे लाइन बनी हुई है। आपको यहाँ पर टिकट दिखाना है, उसके बाद आपको ऊपर जाने का वहाँ मौका मिलेगा, तो आप वहाँ पर जाइए और मज़े करिए। और आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ बनी हुई है एक मस्जिद, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जूते चप्पल उतार के जाइए अंदर। यहाँ देखिए पता ही है कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ऊपर यहाँ मौजूरियम में जाना है, ऊपर मतलब मकबरे में जाना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ से टिकट ख़रीदना है, उसकी पर पर्सन 200 रुपये लग रहे हैं। फिर आपको ये लंबी लाइन लगा के ऊपर जाना है, और यहाँ पर आप स्कैन करके यहाँ से भी टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, पर हम लोगों का यहाँ पर नेट ही नहीं आ रहा है, यहाँ पर नेट नहीं आ रहा है, तो मुश्किल हो रही है। क्या करें, बहुत दूसरी तारीख आ रहा है लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसलिए ऑनलाइन पे नहीं हो पा रहा है कुछ। हाँ, तो इसलिए ऑनलाइन पे नहीं हो पा रहा है, तो ऊपर जाने का मुश्किल लग रहा है। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। तो गाइस फाइनली हम लोगों को दोनों को एंट्री मिल गई है, यहाँ पर नेट आ गया तो 400 रुपये हम लोगों ने पे कर दिए हैं। बढ़िया तरीके ऊपर जा रहा है, बढ़िया। आपके लिए दिखाते हैं ताजमहल का पूरा व्यू ऊपर से, व्यू किस तरीके दिखता है। I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts.
only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. क्योंकि अब हम लोग ताजमहल के अंदर जा रहे हैं, जा रहे हैं और ऊपर अंदर फोटो वीडियो तो कुछ करना सख्त मना है कानून में। हाँ, क्योंकि तो नीचे कवर वगैरह आ गया ना, इसलिए तो आप देख सकते हैं अंदर का है ताजमहल ऐसा मना है, फिर भी थोड़ी बहुत आपके लिए। तो ये एग्जिट यहाँ का, मतलब कि ऊपर का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से कितना सब कुछ अच्छा लग रहा है। और जो अब यहाँ पर ये लिखी हुई है उर्दू में, ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं यहाँ पर, पूरा कुरान का एक चैप्टर लिखा हुआ है ऐसा अंदर गाइड बता रहे थे। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अंदर से बना हुआ है, ऐसे मतलब कि जो कारीगरी की गई है बहुत बढ़िया की गई है कारीगरी संगमरमर के पत्थरों पर। जब आप इस पर मतलब फ्लैश लाइट लाते तो ऑरेंज कलर की मतलब फूल के अंदर से रोशनी निकल के आती है, आप देख भी सकते हो जब आप यहाँ पर आओ। पूरा टूर कर दिया अपन ने ना, पूरा ताजमहल का। अब यहाँ से अपन चल रहे हैं कहाँ, किले। तो अब वो आप देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, हम लोग किले को एक्सप्लोर करेंगे। अभी ताजमहल का पूरा व्यू मैंने आपको दिखाई दिया है। तो